तो दोस्तों आपको तो पता हो कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, यानी कि ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डे सेल, ये सब तो चल रहा है, 10 तारीख तक चलेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं। तो कल के वीडियो में बताया था कि बेस्ट एलईडी टीवी क्या कुछ ऑफर में, अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में जाके आप देख सकते हैं। और साथ साथ उससे पहले आईफोन मिनी परचेज किया था, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था उसके बारे में वीडियो था, वो भी आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करें। आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में, जी हाँ, TWS। अगर आप TWS खरीदना चाहते हैं तो अभी बहुत सारे TWS ऑफर में चल रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैं जो यूज कर रहा हूँ इसका प्राइस भी ऑफर में अभी चल रहा है, तो उसके बारे में बात करें। तो बेस्ट TWS क्या कुछ है नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि 500, 600, 700 से शुरू करेंगे, और एयरपड प्रो जो आता है एप्पल के उस तक हम जाएंगे, उसमें क्या ऑफर है सबके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप TWS खरीदने वाले हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं इन सबके बारे में जानने में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि आज TWS के बारे में बात करेंगे और शुरू से स्टार्ट करेंगे, सस्ते वाले से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर जो अच्छे कंपनी है और जिनका अच्छा रिव्यू है और जो अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं उनके बारे में बात करेंगे, नहीं तो 200-300 में मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे वेल नोन कंपनी के बारे में बात करेंगे और उनका रिव्यू भी जेन्युइन रिव्यू बहुत सारे अच्छे हैं उसके बारे में। और इनमें से आधा कुछ मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नाम दिया हूँ इन सब का, तो इन सब के बारे में बात करें। तो पहला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि है मेवी की तरफ से मेवी डुओपोड्स, और ये लगभग 1000 रुपये में मिलता है, लेकिन अभी ऑफर में बहुत ही अच्छे सस्ते में मिल रहा है। इसका बहुत सारे कलर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, और ये मिल रहा है आपको 700 रुपये में, जी हाँ 700 रुपये में मेवी का डुओपोड्स M20। ये आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपका बजट है यही 700 के आसपास तो ये जरूर से देख लेना, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ मेवी की तरफ से ये आपको देखने को मिल जाता है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 20 आवर इसका बैटरी केस के साथ है, और विदाउट केस ऐसे 2-3 घंटे या 4 घंटे जाएगा, लेकिन केस के साथ यहाँ पे आपको 20 घंटे देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने को मिल जाता है। अगली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो बोट की तरफ से है, बोट का एयरटॉप 131 ब्लूटूथ हेडसेट है, और ये आपको मिल जाएगा 799 में। और इसका अगर चार्जिंग टाइप की बात करें तो 2 घंटे में लगभग चार्ज होता है, और यहाँ पे प्ले टाइम जो है टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, लेकिन प्ले टाइम की बात करते हैं तो 15 घंटे का आपको यहाँ पे आपको प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। जो मीवी के बताया था वहाँ पे आपको 20 आवर मेंशन कर रहे हैं, तो लगभग 15-16 तक जाएगा, और यहाँ पे ये 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं वो भी मीवी की तरफ से है, और मीवी का डुओपोड F30 है ये। ये अगर आप देखेंगे रेटिंग, इसका प्राइस रेटिंग देखें तो 2000 में ये मिल रहा था, अगर आप बाय हार्ट के एक्सटेंशन डाउनलोड करके देखेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि सितंबर के महीने में ये 2000 में मिल रहा था, लेकिन अभी ये सिर्फ 800 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है। और यहां पे आपको 42 आवर का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, यानी कि केस के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं 42 आवर तक। और यहां पे आपको 13mm का डायनेमिक बूस्ट बेस बूस्टर भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसका जैसे कि बताया कि प्राइस यहाँ पे 799 रखा गया है, तो इसका भी चेकआउट कर सकते हैं, 2 कलर में ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिल जाता है। अगर TWS की बात करते हैं बोल्ड ऑडियो की तरफ से आता है, और इसका भी जो प्लेबैक टाइम है 20 आवर्स है, तो यानी कि जब तक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सब मीवी की तरफ से जो भी आते हैं लगभग 40 आवर्स के आसपास जाते हैं, लेकिन ये बोल्ड की तरफ से है, केस भी आपको छोटा मिलेगा क्योंकि बैटरी भी यहाँ पे छोटा मिलेगा, क्योंकि 20 आवर का यहाँ पे आपको प्लेबैक टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको 13mm वाला ड्राइवर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगली जो प्रोडक्ट है यानी कि अगले TWS है वो भी मीवी की तरफ से है, मीवी का A25, और ये अमेजन के ऊपर मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 13mm का ड्राइवर मिल जाता है, और 40 आवर का यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। इसका प्राइस की बात करें तो 900 रुपीज़ में आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद रियलमी की तरफ से, रियलमी नहीं डिजो बोल सकते हैं, लेकिन ये रियलमी का ही ऑडियो ब्रांच बोल सकते हैं, वो है, ये 900 रुपये में आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ENC मिलता है, ANC तो नहीं मिलेगा इस रेंज में, लेकिन यहाँ पे आपको ENC देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे चार्जिंग टाइम 1.4 आवर, यानी कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट आपको बोल सकते, तो उतना आपको यहाँ पे चार्जिंग टाइम देखने को मिल जाता है, उतना टाइम में ये चार्ज हो जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 100mAh की है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको प्लेबैक टाइम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रियलमी तरफ से आप देख रहे हैं तो डीजो को आप कंसीडर में ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये 2000 में मिल रहा था, मैं खुद जब बाय करने वाला था ये वाला मेरा जो अभी TWS यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी देखा था, लेकिन ज्यादा लाइटनिंग की वजह से इसको मैं कंसीडर नहीं किया। ये है विंग की तरफ से, विंग फैंटम, और ये गेमिंग TWS है,
यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में भी आपको लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है, केस में भी मिलता है, और इवन जो ईयरबड्स है आप यूज करेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे लाइटनिंग देखने को मिलता है ग्रीन कलर का, बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर नाइट में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पूरा गेमिंग लूज के साथ आता है 1500 रुपये, लेकिन ये विदाउट ऑफर में 2000 में देखने को मिल जाता है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 20 आवर्स का यहाँ पे आपको केस के साथ प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अगर गेमिंग ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो 1500 में ये आपको एक अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो साउंड कोर की तरफ से आता है 1700 में आपको देखने को मिल जाता है, और 25 आवर का यहाँ पे आपको प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। दो कलर में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रियलमी का, तो रियलमी का ये है रियलमी बड्स एयर 2 ANC के साथ आता है, और ANC अच्छी तरह से काम करता है। ऐसा नहीं कि 10000 वाले जो आते हैं उसमें ANC बहुत ही अच्छा काम करता है, इसमें उन लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप फैन वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसका साउंड आपको नहीं होगा, जैसे ही आप यहाँ पे लगा देंगे तो उसका साउंड नहीं होगा, तो ये बात बोल सकता हूँ। हाँ लेकिन अगर ज़्यादा फैन साउंड है या फिर कूलर का साउंड हो गया तो वो यहाँ पे कैप्चर हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ कूलर चल रहा है, लेकिन अगर स्मूथ में जो फैन वगैरह चलते हैं उनका साउंड को ये बंद कर देता है। तो ANC काम करता है लेकिन सम सडन लेवल तक, ज़्यादा यहाँ पे उतनी अच्छी तरह से ANC काम नहीं करता, लेकिन बजट को देख के बोल सकते हैं हाँ ठीक ठाक यहाँ पे ANC काम करता है। तो ये मैं 3200 रुपये में खरीदा था, और ज़्यादा भी दिन नहीं हुआ है, 1.5 महीना होगा लगभग तभी मैं ये खरीदा था, परचेज किया था। अभी ये आराम से आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफर में मिल रहा है 2500 में, तो 2500 या फिर 3000 में बोल सकते हैं, 3000 में अगर आप अच्छा वाला एक ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो इसको जरूर से कंसीडर करिएगा। उसके बाद OnePlus Z मिलता है, और OnePlus Z 3000 में मिलता है, और ये इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ कि बहुत सारे OnePlus लवर रहते हैं तो उनके लिए रखा हूँ, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेहतर है अगर आप रिव्यू पढ़ेंगे बहुत जगह में आपको पता चलेगा, इससे बेहतर आपको रियलमी का जो अभी मैं दिखाया ये वाला रियलमी का ये वाला आपको मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसी रेंज में और एक TWS आता है जो कि है ओप्पो की तरफ से, ये भी बहुत ही अच्छा है, ओप्पो NQ W31 3500 में ये आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओप्पो की तरफ से खरीदना चाहते तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और एक बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ आ रहा है जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी बर्ड्स लाइव, तो किन्नी बिन वाले जो बहुत फेमस हुए थे उसी डिजाइन के लिए जाने जाता है, तो ये 8000 में मिलता है। और मैं जब परचेज किया था ये वाला रियलमी का तो उस टाइम भी इसको कंसर्न में किया था, लेकिन ये 8000 रुपीज़ उस टाइम था, लगभग 8500 में मिल रहा था, अभी के लिए ऑफर में मिल रहा है 5000 में। तो अगर आपको सैमसंग का गैलेक्सी ढूंढ रहे थे, सैमसंग की तरफ से TWS ढूंढ रहे थे, तो इसको बहुत ही अच्छे से कंसिडर कर लेना है। और ये एक बात बता देता हूँ कि इसमें आपको ANC मिलते हैं, एक्टिव नॉइज कैंसलर इन कुछ काम का नहीं है, बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ और बहुत सारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट रिव्यू पढ़ चुका हूँ कि यहाँ पे जो ANC है उतना अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन अदरवाइज बाकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये ढूंढे तो इसके ऊपर जा सकते हैं। और एक चीज़ बताए तो कि इसमें अगर आपका छोटा ईयर है तो मत लेना, क्योंकि ये छोटे ईयर में ठीक से फिट नहीं बैठता है, थोड़ा बड़े ईयर साइज है तो आप इसको कंसिडर में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल की तरफ से, और एप्पल का एयरपॉड ये मिलता है 13000 मिलता है, लेकिन अभी ऑफर में ये आपको 9000 मिल रहा है, तो अगर आप एयरपॉड ढूंढ रहे थे तो इसको भी कंसिडर में कर सकते हैं। और उसके बाद एयरपॉड प्रो ये भी 25-26 में मिलता है शायद से, अभी आपको ये 18000 में मिल रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ TWS के लिस्ट, और जो पसंद है आप यहाँ पे नाम तो बता दिया हूँ मैं, अब खुद से भी जाके फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करके ले सकते हैं, और अमेजन का क्योंकि जल्दी से मिलता नहीं है तो अमेजन का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा क्या कुछ TWS मार्केट में अभी ऑफर में चल रहे हैं। जैसे कि सबसे हॉट वाले हैं वो के सैमसंग का गैलेक्सी बड्स, और ये भी 700 रुपये कम में मिल रहा है तो इसको भी देख सकते हैं, लेकिन जो गैलेक्सी बड्स लाइव है वो आपको 8.5 से डायरेक्ट 5000 मिल रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑफर मेरे को लगा। आपको क्या लगा कमेंट में जरूर से बताना, और हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो के जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इन सब TWS के बारे में तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।